और यहाँ आए और भैया विली ना मारा, ऐसा कभी हो सकता है? रही बात इसका प्राइस का, तो ऑन रोड ये आता है, मैं नहीं बताऊंगा। और बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं है इस बाइक में, जो मेरा है वही सेम है। TCS अगर आपका बाइक में है तो आपका सेफ्टी थोड़ा सा बढ़ जाता है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो देखो भाई, आज है सैटरडे और फिलहाल अभी हम हैं अपनी गली में और निकलना है हम लोग को 89 साइड, क्योंकि ओगी भाई का अभी नया नया गाड़ी लिया हुआ है, तो वो बंदा अभी डेली निकलने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ ही होता था। जब हम न्यूली बाइक लिए थे ना, तो हम भी चाहते थे कि कुछ बहाना मिले बाहर निकलने का, घूमने का, ताकि हम अपना बाइक को थोड़ा चला सके। और अगर आप एक पक्का बाइक लवर हो या फिर राइडर हो ना, तो भाई तो आप इन बातों से रिलेट कर पाओगे। अरे भाई पूरा व्यंकर वाला उठ गया था अभी। तो ब्रेक है तो बच जाते हैं, अगर ब्रेक नहीं रहता तो गिर जाते हैं। और फर्स्ट विली जो होता है ना, वो हमेशा वैसे ही वाला होता है, मतलब परफेक्ट होता नहीं है। वैसे मज़ा तो आता है विली करने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें ना बहुत रिस्की है, मतलब आप कभी भी पटका सकते हो, कभी भी गिर सकते हो। तो आज हम लेंगे ओगी भाई की बाइक का फुल रिव्यू। और देखो, हम ज़्यादा उतना कुछ नॉलेज नहीं रखते हैं ये सब चीज़ों के बारे में, और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही हम ऐसा प्रॉपर अपने आप को राइडर बोलते हैं। हमको बाइक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ ना, बस हम उतना ही बताएंगे आप लोग को, ज़्यादा डीपली हम जाएंगे नहीं। एंड ये भी आप ही लोग बोल रहे थे कमेंट में कि भाई रिव्यू दो, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि रिव्यू दे देते हैं। और उस पर बहुत सारी चीज़ें अभी अपग्रेड हो चुकी है जो इस बाइक पे नहीं है। तो चलो अभी तो जाते हैं वो लोग के पास, और शायद से ओगी भाई एलविस के पास रुके हुए हैं, और उनका घर भाई बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि वो रहते हैं मोराबादी में और हम लोग रहते हैं इधर खेलगांव, मतलब काफ़ी दूर है यहाँ से। और ये वाली जो गली देख रहे हो ना, बहुत खतरनाक गली है। अगर रात में आते हो ना 11-12 बजे, तो भाई तुम्हारे पीछे 4-5 कुत्ते पड़ने वाले हैं। हम एक बार दीदी को छोड़ने गए थे, और जब वापस आ रहे थे तो हमको 4-5 कुत्ता लोग एकदम भयंकर दौड़ा दिया था। वो तो अच्छा था कि रोड पूरा खाली था, रात का समय था और हम बच गए, नहीं तो अगर हम गलती से गिर जाते या अनबैलेंस होकर कहीं रुक जाते ना, तो भाई काट ही देता वो लोग। तो चलो आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि एलविस रहता कहाँ पे है। और अगर आप लोग आडे में रहते हो तो आना भाई, थोड़ा परेशान करना बंदे को, शांत शांत सा रहता है, थोड़ा किचन करना। और ये देखो न्यू बाइक होगी भाई, ने मिरर नहीं हटवाया है और मोड गार्ड नहीं हटवाया है, बाकी इसका फुल डिटेल्स उधर जाके लेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। अरे देखो एलविस की बाइक यहाँ लगी है, उसका दोस्त का 250, और एलविस रहता है 3rd फ्लोर में। सीढ़ी चलते चलते हालत खराब हो जाएगा। वो वाला तुमको ही मिलेगा, सर्विसिंग कराओगे तो। तुमको बहुत कुछ सीखना है डूड, अभी टाइम है। एमटी में? हाँ रे, एल्यूमिनियम सिंगाम है, नहीं पता तुमको? बाप रे, अश्लीलता का हद पार कर दी हो तुम। एलविस को डाला था, वो क्या था? क्या बोलते हैं वो, फ्यूल इंजेक्टर? नहीं रे, कार्बन क्लीनर बोलते हैं उसको। कार्बन क्लीनर। तो अभी हम लोग सीधे जाएंगे नामकुम, और 89 जंगल अगर घुसने देगा तो घुसेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम भी हो चुका है। वहाँ पे जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही भगा देगा वहाँ पे आर्मी वाले लोग। लड़का पूरा गर्मा जाता है बड़ी जल्दी। चलो इसको ओवरटेक करते हैं, अभी देखना। ये छोटा छोटा जो बम्पर है ना इस ब्रिज में, वो पूरा नचाते रहता है एकदम फच फच। तो ओगी भाई अपना बाइक को पूरा सावधानी से चलाएंगे, एकदम 60-70 के स्पीड में, क्योंकि अभी उनका इंजन जो है ना, वो पूरी तरह से फ्री हुआ नहीं होगा। कंपनी भी यही बोलती है कि स्टार्टिंग में जब तक आपका 1st-2nd सर्विसिंग नहीं हुआ है, तब तक अपनी बाइक को आप थोड़ा सा आराम से ही चलो, उससे आपका जो इंजन है ना, उसका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा बढ़ता है। अरे यार, रोड पूरा ब्लॉक करके रखता है लोग। तो यहाँ पे रुके हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। अरे भाई, ऐसे ब्रेक्स कौन मारता है?
देखो वो देख, दो दो को लड़की घुमा रहा है और हम लोग का किस्मत में एक भी नहीं है। हम अपर भी नहीं सकते भगवान। ओ भाई कुछ कह रहे हो? मरना चाह रहे हो? मारो भोसड़ी के। अरे यार डरा गए थे। एलविस हट जा। अरे भाई ये रहा ऑफरोडिंग। ऑफरोडिंग इधर गड्ढे में गिर गए ना तो ऑफरोडिंग के तो टफ रोडिंग निकल जाएगा। इतना टाइम में यहाँ पे आते हो ना तो एक अलग ही टाइप का सुकून मिलता है। और इसको आप लोग बोल सकते हो हम लोग का पुराना अड्डा, क्योंकि हम लोग यहीं पे आके रुकते हैं। तो देखो लाइनअप लग चुकी है और आज हम लोग बस तीन ही लोग हैं, बाकी लोग सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। वो लोग बस सैटरडे संडे को टाइम मिलता है क्योंकि सैटरडे ही मालिक। अरे हाँ बट भूल गए ना बोलने, वो लोग को अंकित को बोलना था वो आ जाता। देख रहो इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं ना कि इसका रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखो भाई ये है ओगी भाई की न्यू ब्रांड MT15 वर्जन 2.0। V3 तो नहीं है, V2 का ही अलग वेरिएंट है, मतलब उसका टॉप वेरिएंट जिसमें आती है डुअल चैनल ABS। और देखो डुअल चैनल ABS में यहाँ पे रिंग लगा हुआ रहता है और इस पे दिया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल। इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो हम पिछला ब्लॉग में दिखा दिए थे आप लोग को, एंड बहुत लोग को नहीं पता होगा और हमको भी पता नहीं था कि इसका जो TCS है मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल वो वर्क कैसे करता है। तो देखो अगर आप बाइक में चल रहे हो कहीं रोड में और रोड के बीच में अगर कहीं पे बालू वगैरह रहता है, आपका पिछला टायर अगर स्लिप करता है तो इसका इंजन है ना ECU वो ऑटोमेटिकली पावर कट कर देगी, तो वहाँ पे आपका जो क्रैश होने वाला खतरा रहेगा ना वो कम हो जाएगा। और यही रीज़न है कि इस पर अगर हम व्हीली करेंगे, अगर TCS ऑन रहेगा तो वो व्हीली नहीं होगी, क्योंकि जब आगे का व्हील ऊपर आएगी ना तो उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और पीछे का टायर रहेगा उसका स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो इसका इंजन को पता चल जाएगा कि नहीं आगे का जो व्हील है वो सेम स्पीड में नहीं घूम रही है, तो वाली सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली पावर कट कर देगी और आप व्हीली नहीं कर पाओगे। तो ऐसा वाला सीन है। हमको TCS के बारे में बस इतना ही पता है, बाकी TCS अगर आपका बाइक में है तो आपका सेफ्टी थोड़ा सा बढ़ जाता है और बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं है इस बाइक में, जो मेरा है वही सेम है। और बात करें इंजन की तो इंजन भी सेम है, ये भी आती है 155cc लिक्विड कूलिंग इंजन विथ 6 गियरबॉक्स के साथ, एंड इसका टॉप स्पीड आप मान के चलो कि 140, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। एंड उससे ज़्यादा अगर आपको भगाना है तो आप इस पर फिल्टर चेंज कर सकते हो या फिर पावर टोनिक जो आता है वो आप इस पर इंस्टॉल करा सकते हो। रही बात इसका प्राइस का, तो ऑन रोड ये आता है 2,08,000, 9,000, 10,000, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। और रोगी भाई तो इसको इंस्टॉलमेंट में लिए हैं तो उनको पड़ गया है 2,28,000। और हाँ एक और चीज़ जो हम भूल रहे थे, इस पे दिया हुआ है LED इंडिकेटर्स जो कि पहले नहीं था। मेरा बाइक में तो खुद हैलोजन दिया हुआ था, उसको हम चेंज कराए हैं और हैलोजन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है भाई। इसका इंडिकेटर्स का अगर हम पेयर लेंगे ना मतलब दो लेंगे तो हमको पड़ जाएगा वही 1500 आसपास, क्योंकि हम पूछे भी थे शोरूम में। रोगी भाई तो बहुत कुछ चीज़ें कराने के बारे में सोचे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका उतार देंगे मोड गार्ड, एंड ये सुनने के बाद बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई बाइक लेते हो और आप लोग ऐसे कबाड़ा करके रखते हो। तो देखो भाई कबाड़ा वाला कोई सीन नहीं है, बाइक आने से जस्ट 7-8 दिन पहले से जो इंसान रात रात भर सोचता है ना और सो नहीं पाता है, उस बीच वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचता है जैसे कि अगर मेरे पास बाइक आती है तो हम क्या कराएंगे। तो यही सब सीन है, मेरा भी यही था, हम भी सोचते थे कि हम सबसे पहले हम मुड़गार्ड हटवाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि मुड़गार्ड के साथ अच्छा नहीं लगता ये बाइक, अच्छा लगता है, बट जो शौक है ना उसका तो आप क्या ही कर सकते हो, शौक तो आपको कुछ भी करा सकता है। और इस बाइक में रैपिंग वगैरह भी होगी और इसका ग्राफिक्स डिजाइन सब भी हम लोग कराने वाले हैं, और जितना टाइम हमको लगा था उतना टाइम तो इस बार नहीं लगेगा, ओगी भाई बहुत पहले ही करा लेंगे क्योंकि वो सब कुछ सोच के रखे हैं पहले से ही। अगर आपको चाहिए ये वाली बाइक तो आप ले सकते हो, ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट है। और इस बाइक को हमको टेस्ट राइड भी करना है बट अभी हमको मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी जस्ट न्यू बाइक है और अगर मेरे हाथ में आएगा तो हम थोड़ा सा रैली देंगे। ओके भाई अभी तक मस्त अपना 60-70 में जो चल रहे हैं ना, और इस पर व्हीली भी होगी बट इतना जल्दी व्हीली करना भी ठीक नहीं रहेगा, नया नया बाइक है कुछ हो जाता है ना तो समझ रहे हो। ओके भाई के तो एल लग जाएंगे तो इस बाइक को अभी हम नहीं चलाएंगे, और अभी ये बाइक कहीं दूर तो नहीं जा रही है, अपना स्कॉट में ही रहेगा और पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है देख सकते हो। तो ये ओके भाई का ना बहुत पहले से देखा गया एक सपना था, वो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे इस बाइक का और बंदा बहुत डिप्रेशन में था कि अपने पास बाइक नहीं है, स्कूटी से चलता था वो लड़का, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बाइक आने से हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब तो मज़े आने वाले हैं राइड पे राइड डेली हम लोग का इधर उधर आप लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिलते रहेगा। सो टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने की, चलो अभी लोग को बाय बोलने का टाइम आ गया। चलो एलविस तो मेरे तरफ जाता है तो अभी इसको भी बाय बोलेंगे और हम भी निकलेंगे सीधे घर। सो ये वाली ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोग को ये वाली ब्लॉग पसंद आई होगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
गद्दारी कर दे, गरीब आई कटोगा।